दोस्तों आज हम इमेजिनेशन यानी कल्पना के बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। आखिर ये है क्या चीज़, इस पर दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, इसी से सारा कुछ संभव है। अभी जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो हुआ है आज तक, सब कुछ इमेजिनेशन के दम पर ही टिका हुआ है। इमेजिनेशन है क्या? एक कल्पना है दोस्तों। इंसान के अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है, जिसकी वजह से आज इंसान इतनी तरक्की कर पाया जो जानवरों में नहीं होते। अगर जानवरों में होती तो आज वो जानवर इंसान से कहीं ज़्यादा बेहतर होते। जिसने अपने लिए इतनी चीज़ें बना ली हैं, हम बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकर मोटिवेट होते हैं और हो भी रहे और होंगे भी, जानकर हैरान होते हैं या जानकर कि उन्होंने इतना कुछ हासिल कैसे कर लिया। इन सब का कारण क्या है? इन सब का कारण इमेजिनेशन ही है। इमेजिनेशन आपको अनुमति देता है उन सब चीज़ों को देखने के लिए जो फ्यूचर में होगा, उन सब चीज़ों को जो अब तक नहीं हुआ है। हम पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं कि इस दुनिया में अभी भी क्या क्या चीज़ बचा हुआ है जो होना चाहिए। आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद अपने आप को कहाँ तक देखना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या बन रहे हो, वह सब आज आप इमेजिन कर सकते हो। लॉजिक से आप कहाँ तक जा सकते हो? लॉजिक से सिर्फ आप ए से बी तक जाते हो, लेकिन इमेजिनेशन से आप हर जगह जाते हैं। इमेजिनेशन आपको हर जगह ले जाती है। इमेजिनेशन नॉलेज से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नॉलेज तो लिमिटेड है, लेकिन इमेजिनेशन से पूरी दुनिया घूम सकते हैं। बुद्धिमानी का पता नॉलेज से नहीं बल्कि इमेजिनेशन से लगता है। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी जब दोनों मिलती है तो पूरी दुनिया बदल जाती है, अब बदलती भी है। आज से बहुत साल पहले इमेजिन करो, जब धरती पर कुछ भी नहीं था, उसे इमेजिन करो और आज की दुनिया देखो, ये आपके हाथ में। इंटरनेट, यूट्यूब, जिन लोगों ने इनको बनाया था, इनको बनाने से पहले पूरी तरह से इमेजिन किया हुआ था ना। आपके हाथ में जो फ़ोन और लैपटॉप है जिसे आप ये पढ़ रहे हो, उसकी खोज होते होते यहाँ तक पहुँचने में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो भी इमेजिनेशन ही है। मैं यूट्यूब के बारे में बताता हूँ। यूट्यूब का जो संचालक है, यूट्यूब को जिसने बनाया है, यूट्यूब ऐप को, वो क्या था उस समय? जब वो पैदा हुए थे यूट्यूब के संचालक, उस समय तो यूट्यूब नहीं था, तो उस समय ये तो इमेजिन किया हुआ था, पूरी तरह से इमेजिन किया हुआ था। तो ये यूट्यूब किस तरह से बना? जब एक हिंद महासागर में, एक बार मैं घटना बताता हूँ, हिंद ये आ गया था, बाढ़ आ गया था, वहाँ पे तूफान आ गया, तो ये यूट्यूब का जो संचालक है, उन्हें ये वीडियो देखना था, लेकिन उन्हें कहीं भी ये वीडियो नहीं मिला। तो उसने उस समय इमेजिन किए कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना, एक ऐसा ऐप बनाना जिससे सारे वीडियोज़ को तुरंत मिल जाए, जिसके पास कैमरा हो। सबके पास तो कैमरा होते हैं, मोबाइल तो सबके पास होते हैं, उस समय तो मोबाइल तो सबके पास था, तुरंत उस चीज़ का वीडियो कहीं से भी सबको मिल जाए। उसी समय से ये यूट्यूब की शुरुआत हुई और यूट्यूब अभी तक यहाँ तक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका। अगर आप भी चाहते हो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाना, तो आप बना सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए एक छोटी बात हो सकती है, कोई अपनी बात पूरी दुनिया को बता सकता है, लेकिन मेरे लिए एक किसी जादू से कम नहीं है। हजार साल पहले इसकी बात करें तो यह एक इम्पॉसिबल था, लेकिन टुडे इट्स पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ इमेजिनेशन। आज पॉसिबल हो चुका है, क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन की वजह से। अगर उस समय अगर नहीं सोचा गया होता तो क्या ये संभव था? नहीं था। लोग जब ये कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उस समय क्या वो वाकई में पॉसिबल नहीं होता? पॉसिबल होता है, जब तक आप पूरी लगन से उसे करने के लिए तैयार ना हो। आप महेंद्र सिंह धोनी को देख सकते हो कि उन्होंने कितनी चलाकी से, कितनी मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किए। क्या वो सब इमेजिन किया हुआ ही था ना? उस समय इमेजिन किए, उस चीज़ पे काम किए। सिर्फ इमेजिन करना ही सब कुछ नहीं होता, इमेजिन करके उस पर काम करना भी पड़ता है। आपको इमेजिनेशन की पावर जब समझनी है, तो एक प्रैक्टिकल कर लो, एक ऊंची हाइट पर जाकर इस दुनिया को देखो और इमेजिन करो कि इस दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी रोड है, एक से एक गाड़ियाँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है? बुर्ज खलीफा बिल्डिंग को इमेजिन करो, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है?
आप ये भी इमेजिन करो, एरोप्लेन को देखकर कभी ये नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, किसी ने कैसे सोचा होगा। हजारों लोग एक दिन स्टील के बॉक्स में ट्रेवल करेंगे जिसका नाम होगा एरोप्लेन। क्या ये एक इमेजिनेशन नहीं है? वह इमेजिनेशन ही है, लेकिन उसके साथ खप जाने का इरादा भी था, उसकी आदत लग जाने का भी इरादा था। अगर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपके हाथ में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है जो हजारों करोड़ों साल पहले नहीं थी, जिसे आप यूज करते आपको पता नहीं है इसके पीछे ना जाने कितने लोगों ने अपनी नींदें उड़ाई है, काम किया है रात रात भर जग कर, रो रो कर, परेशान होकर। आखिर उन लोगों ने अपनी इमेजिनेशन को ही पूरा किया। क्या वो पैसे के लिए कर रहे थे? नहीं, पैसे के लिए कोई इतना नहीं करता। काम से प्यार में जो इंसान पागल बन जाता है, अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, ये पैसों के लालच में पॉसिबल नहीं है। हमारे देश में बड़े बड़े आविष्कार हुए, क्या उन लोगों ने सब पैसे के लालच में किए? नहीं, जब पैसे के लालच में किए होते तो वो साधारण से अपनी ज़िंदगी जी भी सकते थे। मैं एक स्टीव जॉब्स की बात करता हूँ, वो बोले थे कि वो लोग सब पागल होते हैं, ये सोचते हैं कि मैं पूरी दुनिया बदल सकता हूँ। वो उनमें से ही होते हैं जो बदलते भी हैं। स्टीव जॉब्स को भले ही एक कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने दो और कंपनी की शुरुआत की, और दो कंपनियां जो शुरुआत की वो सफल भी। जो आपकी इमेजिनेशन पे हंसने वाले लोग हैं वो केवल कुछ वक्त तक ही रहेंगे, वो चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे इस दुनिया से। लेकिन अगर आपने जो इमेजिन किया है, अगर उस पर काम करोगे तो उसे हकीकत में बनाने में पूरा पार्टिसिपेट करोगे, तो फिर किसी और को आपके आइडिया के बारे में अगर पता चल भी गया तो उसने भी उसमें अगर पार्टिसिपेट करने लगेंगे, आगे से आगे वो बढ़ता जाएगा वो इमेजिनेशन, और उससे रिलेटेड खोजें होती जाएगी। आप उसके अंदर पूरी तरह से घुसते चले जाओगे, आप पूरे इमेजिनेशन की दुनिया में गुम हो जाओगे। पूरी इमेजिनेशन ही इतनी बड़ी इमेजिनेशन इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको समझना बहुत मुश्किल है। आप अनलिमिटेड सोच सकते हो, लेकिन जो छोटा सोचने वाले लोग होते हैं, जो आपके ऊपर हंसने वाले लोग होते हैं, वे हमेशा तक नहीं है। इमेजिनेशन के साथ मैं आपको खुद पर यकीन करना होगा, क्योंकि विश्वास से पूरा माउंटेन पार कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, तिजोरी नहीं है, वहाँ आप सही हो। आप अपना एक हाथ ऊपर करो, जितना हो सके उतना ऊपर करो, पूरी ताकत लगा कर ऊपर करो, उसे ऊपर जा ही नहीं सकता। क्या आप इसके ऊपर हाथ नहीं ले जा सकते हैं? लेकिन आपको पता है अब भी आपका हाथ और ऊपर जा सकता है। गहरी सांस लो, थोड़ा और ऊपर जाएगा। इसका मतलब जब आप सोचते हो इससे आगे कुछ भी नहीं है, तो हो सकता आप वहाँ गलत हो। इस पूरी दुनिया को एक कैनवस समझो और इसको इमेजिन से भरने की कोशिश करो और उसमें जुट जाओ। होगा या नहीं होगा वह बहुत सारे फैक्ट्स और डिपेंड करता है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। जैसे एडिसन ने 999 बार, हम लोग तो 5 से 10 बार में ही मतलब हार मान लेते हैं। आप एडिसन से सीखो, एक बार सीखो कि वो 999 बार फेल होने के बाद बल्ब बनाए थे। हजार तरीके में वो बल्ब बनाए थे, हजारवां तरीका में वो बल्ब बनाए थे। तो सोचो 999 बार कौन सा व्यक्ति इतना बार बल्ब बनाने में लगाता। अगर उन्होंने बल्ब नहीं बनाते तो आज हमारे पास बल्ब नहीं होता। आप सोचो कि अगर आप सोच भी लो कि अगर उन्होंने बल्ब नहीं बनाया होता तो हमारे देश में क्या होता? हम तो रात में पूरा अंधेरे में ही रह जाते। आप सोचो, इमेजिन करो, पूरा अंधेरा ही हो जाता। आज इन्वर्टर LED भी आ गया, बहुत सारे बल्ब आ गए हैं। इमेजिनेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, ये बहुत पावरफुल चीज़ होती है दोस्तों। ये हर एक इंसान के अंदर मौजूद है। अगर आप इमेजिनेशन को अच्छे से समझोगे और उस पर पूरी जी जान लगा कर अगर उस पर मेहनत करोगे, तो आप एक दिन ऐसा आएगा आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो, एक ऐसा चीज़ बना सकते हो जिसे पूरी दुनिया कायम हो सकती है। आप मैं एक बात बताना चाहता, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़े बड़े महान लोग हुए, वो सब कैसे हुए? एक इमेजिनेशन के दम पर ही हुए। टाटा स्टील की बात करता हूँ, टाटा स्टील को रतन टाटा ने नहीं बल्कि जमशेदजी टाटा ने अंग्रेज़ों के ज़माना में बनाए थे। वो टाटा स्टील कंपनी आज कहाँ तक पहुँच गई आप खुद देख सकते हो, वो एक इमेजिनेशन के दम पर ही खड़ा हुआ। अगर उस समय टाटा स्टील जिन्होंने बनाया है जमशेदजी टाटा, वो अगर नहीं सोचे होते, उस पर काम नहीं किए होते, तो आज रतन टाटा का नाम आप नहीं ले रहे होते कि टाटा स्टील के वो मेन अधिकारी है, वो टाटा स्टील के चेयरमैन है।
चेयरमैन तो किसी और को बनाएगा लेकिन मालिक तो यही है, रतन टाटा ही है। जिस तरह से आप मुकेश अंबानी की कंपनी को आप देख सकते हैं कि मुकेश अंबानी कंपनी नहीं है बल्कि धीरूभाई अंबानी की कंपनी है। धीरूभाई अंबानी ने पहले मसाले बेचने से शुरुआत किए, उसके पास से वो तो चले गए लेकिन उस कंपनी को आगे बढ़ाने का जिम्मेदारी मुकेश अंबानी को मिल गया। अब मुकेश अंबानी उस कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं, अब मुकेश अंबानी भी चले जाएंगे, अब उसके बाद उसके बेटे उस कंपनी को चलाएंगे। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। अगर आप भी ऐसा चाहते हो तो आप ऐसा काम कर जाओ जिससे आपके पोते के पोते उस कंपनी को और आगे तक बढ़ा दें। आप सोच रहे होंगे यूट्यूब ये सब इमेजिनेशन के दम पर ही टिका हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। इस प्रकार की रेगुलर और बेहतर वीडियोस पाने के लिए अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिए जिससे भला हो सके किसी का। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में नए और दमदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।